हिंदुओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करते, और आपने उनको प्रसाद के नाम पर पशुओं की चर्बी भोजन के प्रसाद के रूप में दे दी। कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। जिस मंदिर में करोड़ों रुपए की आय है, करोड़ों रुपया प्रतिमा है, वहां आता है, शुद्ध घी नहीं खरीदा जा सकता क्या? जहां मालूम करना चाहिए, तो ये संचालकों का दोष है। हिंदुओं के धार्मिक स्थल ही शासन के पास हैं, और कोई धार्मिक स्थल तो शासन के पास है नहीं। हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। कितना बड़ा पाप किया है आप देखिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मंदिर मठ मंदिरों की व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक बहुत सोची समझी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। तो आपको जानकारी तो है ही, जो हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। कितना बड़ा पाप किया है आप देखिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मंदिर मठ मंदिरों की व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार शासन वहां का संचालन करता है। मंदिर की सारी व्यवस्था शासन के अधीन है। ये जिम्मेदारी किसकी है? किस श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप लोग वहां जाते हैं? हिंदुओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करते, और आपने उनको प्रसाद के नाम पर पशुओं की चर्बी भोजन के प्रसाद के रूप में दे दी। कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। जिस मंदिर में करोड़ों रुपए की आय है, करोड़ों रुपया प्रतिमा है, वहां आता है, शुद्ध घी नहीं खरीदा जा सकता क्या? जहां मालूम करना चाहिए, तो ये संचालकों का दोष है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सारे के सारे शासन से मुक्त होना चाहिए, और हिंदुओं के धार्मिक स्थल ही शासन के पास हैं, और कोई धार्मिक स्थल तो शासन के पास है नहीं। सनातन धर्मावलंबियों के, हिंदू धर्मावलंबियों के जितने भी तीर्थ हैं, हमारे जो तीर्थ हैं, वहां धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है। हम सदाचार से युक्त होकर के वहां दर्शन करने जाते हैं, और जब वहां चर्बी का प्रसाद हमें मिलेगा तो हमारी श्रद्धा कहाँ जाएगी? तो एक बहुत सोची समझी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए।